हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम मैगी चीज पराठा बनाएंगे और ये बिल्कुल नए तरीके से मैं बना रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने यूट्यूब में डाला होगा इसको। आप एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही यमी है, और ये पराठा बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप जब बनाएंगे तो आप मुझे एक बार कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये पराठा कैसा लगा। आज हम मैगी का पराठा बनाएंगे। बिल्कुल सही सुना, मैगी बहुत खा ली हम लोगों ने बना बना के, लेकिन आज हम इसकी बिल्कुल नई रेसिपी बना के तैयार करेंगे। मैगी का पराठा बहुत ही यमी होता है। हमने बहुत सारे पराठे खाए हैं, लेकिन मैगी पराठा जब आप खाएंगे तो ये अपने आप में इतना यमी होता है, इतना टेस्टी होता है कि आप इसको बार बार बना के खाएंगे। हम केवल ये दो ही पीस के पराठे बना के तैयार करेंगे और इसी के साथ हम ये दोनों मसाले ले लेते हैं। और अब हम मैगी को नॉर्मल पानी में पका लेते हैं। अब हमको मैगी को पकाना है तो एक बर्तन में मैं 1.5 गिलास पानी डाल देती हूँ। पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये मैगी डाल देते हैं। 1 पाउच मसाला डाल देना है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मैगी को आराम से इसी में पकने देंगे। जब तक मैगी पक रही है, मैं आटा गूंद के तैयार कर लेती हूँ। मैंने 1/2 कप मैदा और 1/2 कप आटा ले लिया। आप चाहें तो पूरे आटे का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने 1/2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। हमने ले लिया 1/4 चम्मच नमक और एक सॉफ्ट आटा बना के हमको तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा लेते हैं। हमने ये आटा लगा के तैयार कर लिया है और ये आटा रोटी से थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट है। आटे को अब हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और इतना आटा लगाने में 1 गिलास पानी में 2 टेबल स्पून पानी बचा है। मैगी का पूरा पानी हमको सुखा लेना है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रह जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। मैगी को मैं एक छन्नी में निकाल लेती हूँ, जिससे इसका थोड़ा बहुत जो पानी होगा वो भी निकल जाएगा और ये ठंडी भी हो जाएगी। और इसी में मैं 1/2 चम्मच तेल डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे मैगी आपस में चिपकेगी नहीं और मैगी को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर फैन के हवा में भी रख सकते हैं। मैगी रख दी ठंडी होने के लिए। तब तक मैंने ये मैगी में डालने के लिए कुछ वेजिटेबल काट ली है। 1 शिमला मिर्च ली है, जिसके बीज निकाल के बारीक चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज की प्याज ले ली है और इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। धनिया पत्ती ले ली है, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। और हमने लिया है 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक है। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करें। और ये जो मैगी मसाला का पाउच बचा था, ये भी हमने काट के ले लिया, इसको भी हम यूज करेंगे। और मैंने इसी के साथ ले लिया है ये चीज। ये ब्रिटानिया की है, आप चीज ले सकते हैं। अगर चीज नहीं है तो आप इसमें पनीर का इस्तेमाल जरूर करें। ये मैंने चीज का एक पीस ले लिया है और अब हमको कद्दूकस करना है। जब भी आप चीज को किसी भी कद्दूकस से कद्दूकस करते हैं तो कद्दूकस में बहुत सारी चीज लग जाती है। आप कद्दूकस को तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लें। जब आप पनीर या चीज कुछ भी कद्दूकस करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल कद्दूकस साफ निकलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमने कद्दूकस कर लिया और अब मैगी भी अच्छे से ठंडी हो गई है। मैंने इसको एक दूसरे बर्तन में रख दिया था तो इसका जो एक्स्ट्रा 2-4 बूंद पानी था वो नीचे टपक गया है। अब हम एक दूसरे बर्तन में ये सारे मसाले और मैगी को एक साथ ही मिक्स कर लेते हैं। मैगी में 1/2 चम्मच तेल भी डाल दिया था, जिससे मैगी सारी अलग अलग है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकी हुई है। हमने मैगी में ये सारे मसाले मिक्स कर लिया है, आटा भी हमारा सेट हो गया है। अब हम पराठे बना लेते हैं।
इसमें से एक मोटी लोई ले लेंगे। ये हमने सूखा आटा दूसरी थाली में रख दिया है, इसका एक पेड़ा बनाएंगे। थोड़ा सा हमको बेलना है और इसकी थिकनेस काफी ज्यादा है, जैसे हमारी ब्रेड होती है उतनी मोटी ये मैंने लोई बेल के तैयार कर ली है। और इसमें हम अब ये मैगी की फिलिंग डाल देंगे, और जब हम पराठा बनाएंगे तो इसकी फिलिंग थोड़ी बहुत बेलने में निकलती है, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो नॉर्मल है, उतना निकलेगा ही। फिर से एक बार हम सूखे आटे में डिप करके, और अब हम इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। बहुत ज्यादा हमको पतली नहीं बेलनी है, जैसे हम ब्रेड लाते हैं ब्रेड खाते हैं ना, उसी तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमने तवा भी रख दिया है गरम होने के लिए, तवा मीडियम गरम हो गया है, और इस तवा में अब मैं थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। पराठे को हम मीडियम टू लो फ्लेम में ही अच्छे से उलट पलट के गोल्डन कलर का होने तक पका लेंगे, और ये हम दूसरी तरफ दूसरा पराठा बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी है पराठा बनाना। पराठे को आप घी में बटर में बना सकते हैं। और ये पराठा एक तरफ से अच्छे से सिक गया है, तो इसको हम अब पलट देंगे। पराठे में अब हम घी लगा देते हैं, घी घी या बटर आप थोड़ा अच्छे से यूज करें। और अब मैं ये दूसरा पराठा भी बना के तैयार कर लेती हूँ। पराठे को हम उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेते हैं। ये पराठा हमने दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर का होने तक पका लिया है। अब हम इस पराठे को कट कर लेते हैं, तो आप किसी भी चाकू से या फिर पिज्जा कटर से इसको आराम से काट सकते हैं। अब हम ये दूसरा पराठा भी इसी तरह सेक लेंगे। तो इसी तरह मैं सारे पराठे बना बना के तैयार कर लेती हूँ। आप इसमें घी अपनी चॉइस के हिसाब से कम और ज्यादा लगा सकते हैं। हमने ये मैगी चीज पराठा बना के रेडी कर लिया, और ये पराठे में फीलिंग बहुत ही जबरदस्त है। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें फीलिंग कितनी अच्छे से फील हुई है। आप इस पराठे को एक बार जरूर बनाएं, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।